दोस्तों, हिनमन होम हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप, BHMS। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक मदर टिंचर जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान लिया जाता है तो ये कितनी देर में हमारी बॉडी पर असर करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देर न करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने बताया कि होम्योपैथिक पोटेंसी यानी कि होम्योपैथिक शक्ति 30, 200, 1000 वाली जो पोटेंसी होती है होम्योपैथी में, वो कितनी देर में हमारी बॉडी पर असर करना शुरू कर देती है, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में, जिसके आगे होम्योपैथिक दवा के आगे क्यू लिखा होता है। क्यू से होम्योपैथिक मदर टिंचर को प्रदर्शित किया जाता है, इसका मतलब वो होम्योपैथिक मदर टिंचर है। इसके आगे आप 30, 200 या फिर 1000, 10000 इस तरीके की पोटेंसी कोई भी नहीं लिखी होती है, सिर्फ इसके आगे लिखा होता है क्यू। अब होम्योपैथिक मदर टिंचर दोस्तों क्या होता है? होम्योपैथिक मदर टिंचर की बात करें तो ये प्राकृतिक अवस्था में होम्योपैथिक दवा होती है, यानी कि होम्योपैथी का जो मेडिसिन बनाने का प्रोसेस होता है या तरीका होता है, उसमें इसको ऐड नहीं किया जाता है। सीधे जो है प्राकृतिक अवस्था में, जो मान लीजिए कोई प्लांट है यानी कि कोई पौधा है, उससे प्राकृतिक अवस्था से उसके जो पदार्थ होते हैं, उसके जो मेडिसिन का कंटेंट होता है, उसको निकाल लिया जाता है, एल्कोहल में कर लिया जाता है और कच्ची अवस्था में उसको रखा जाता है, तो वो होता है होम्योपैथिक मदर टिंचर। अब इसका यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, और कितनी देर में हमारी बॉडी पर असर करना शुरू कर देता है? अब इसका यूज क्यों किया जाता है, इतना मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान इसका काम होता है हमारे डिजीज को सपोर्ट करना, एक तरीके से उसको सपोर्ट या प्रोवाइड कराता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं करता है, लेकिन अगर किसी की गंभीर बीमारी है, लक्षण बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, तो ये डिजीज को, बीमारी को वहीं पर रोके रखता है टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसमें बहुत ही ज्यादा आराम ये प्रोवाइड वहां पर करा देता है, काफी ज्यादा रिलीफ, काफी ज्यादा पेशेंट को आराम वहां पर देखने को मिलता है। अब कितनी देर में असर करता है ये, अभी जैसे इसकी डोजेस की बात करें तो 10 ड्रॉप या 15 ड्रॉप इसकी थोड़े से पानी में ली जाती है और उसको पी लिया जाता है सुबह, दोपहर और शाम, जैसे भी डॉक्टर उसके केस के अनुसार यानी कि बीमारी के अनुसार इसको दिया जाता है, 3 बार या 4 बार इसको दिन में लिया जाता है थोड़े से पानी में और उसको पी लिया जाता है, 10 से 15 या फिर 20 ड्रॉप तक भी इसको लिया जाता है। तो 15 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 1 घंटा मैक्सिमम जो है 15 से आधे घंटे में इसका फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। और जो एक्यूट बीमारी है यानी कि जो ज्यादा पुरानी बीमारी नहीं है, उसमें भी अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा लक्षण आ रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही कारगर और चमत्कारिक रूप से जो है होम्योपैथिक मदर टिंचर वहां पर यूज किया जाता है। और क्रॉनिक यानी कि पुरानी बीमारियां जो हैं, उसमें एज ए सपोर्ट इसको यूज किया जाता है, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मेन पोटेंसी वाली दवा होती है, मेन काम वही करती है, लेकिन जब होम्योपैथिक मदर टिंचर को साथ में दे दिया जाता है तो वो डिजीज को ज्यादा बढ़ने नहीं देती है, एक तरीके से सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड कराती है वहां पर, और डिजीज की कंडीशन को ज्यादा खराब नहीं होने देती, पेशेंट को टेम्परेरी बेसिस पर बहुत ही ज्यादा आराम वहां पर देखने को मिलता है। तो ये था होम्योपैथिक मदर टिंचर का यूज। और बहुत से केसेस में दोस्तों ऐसा होता है कि होम्योपैथिक मदर टिंचर ही पेशेंट को ठीक कर देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, धन्यवाद।